Hey guys, welcome back. आज हम बात करेंगे भूटान करेंसी के बारे में. भूटान में न्यूट्रम बोल के करेंसी का नाम है. न्यूट्रम जो उनका करेंसी है वो चलता है वहां पे, जिसमें भूटान का किंग होता है, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग वगैरह वगैरह जो लोग हैं. अभी फिफ्थ किंग चल रहा है वहां पे, तो फिफ्थ किंग भी होता है नोटों में. वो नोट मिलती है आपको, आप कोई भी एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन आपका एटीएम अगर वीजा है देन ओनली इट विल वर्क, और बाकी एटीएम शायद चल सकता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास खुद का वीजा था और माइस्ट्रो था, तो मैंने वो दोनों यूज़ किया था, दोनों चल रहा था. बाकी चले कि नहीं वो डाउटफुल है, बट आपका मोस्टली सभी चलेगा वहाँ पे, सभी एटीएम चलेगा, नो प्रॉब्लम इन दैट. आप करेंसी एक्सचेंज भी करवा सकते हैं. अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी एक्सचेंज काउंटर होती है. अगर आप डॉलर्स लेके गए हैं तो एक्सचेंज करवा सकते हैं, वहाँ की डॉलर की रेट के हिसाब से चेंज करवा सकते हैं. और अगर आप इंडियन करेंसी ले जा रहे हैं और एक्सचेंज करना है आपको, तो इंडियन की करेंसी, 1 रुपी इंडियन करेंसी इज सेम एज 1 रुपी न्यूट्रम करेंसी. तो कोई ज़्यादा कम का कोई बात नहीं है यहाँ पे. आप अगर 100 रुपये यहाँ से लेके जा रहे हैं तो वहाँ भी 100 ही रुपया होगा, ये कोई बात नहीं है. और वहाँ पे आप इंडियन नोट यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंडियन नोट वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं आप अगर इंडियन नोट देते हैं उनको. ये हमारा इंडियन का हिसाब है वहाँ पे. इंडियन नोट काफ़ी अच्छे से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बट प्लीज़ डू नॉट कैरी 2000 रुपीज़ नोट एंड 500 रुपीज़ नोट, बिकॉज 2000 रुपीज़ नोट एंड 500 रुपीज़ नोट का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ पे, इसीलिए वो लोग ये नहीं लेते हैं. बाकी आप 100 दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. होटल्स एंड रेट में आराम से आप यूज़ कर सकते हैं इंडियन रुपीज़. जैसे कि मैं खुद वहाँ होटल में रहा था, मैं इंडियन करेंसी में डील करता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सब खुश रहते थे वहाँ पे. इंडियन करेंसी भी चलती है, भूटान करेंसी भी चलती है. लेकिन आप जब एग्जिट कर रहे हैं, आप अगर जयगांव में हैं तो जयगांव में थोड़ी दिक्कत होती है करेंसी की. आपके पास अगर न्यूट्रम है, भूटान की करेंसी है, तो वहाँ पे कुछ कुछ होटलों में वो बोलते हैं कि हमें 2% एक्स्ट्रा लगेगा. बट आप वो मत दीजिएगा किसी को 2% एक्स्ट्रा, आप सीधा बोलिएगा मुझे यही देना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है. ये है तरीका, क्योंकि वो लोग चाहेंगे कि हम लोग इंडियन हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या फिर सेकंड टाइम विजिटर हैं, तो हमसे कुछ लेने का कोशिश करेंगे. ये सिर्फ जयगांव में ही होता है जो कि इंडिया का बॉर्डर है. तो आपको वहाँ कोई टेंशन नहीं लेना है, आप सीधा मुंह पे बोलिएगा कि हमें 2% एक्स्ट्रा नहीं देना है. ये वैरी करता है, 2%, 3%, 1%, ऐसा कुछ वैरी करता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. शायद आपको अच्छा लगा होगा ये, मैं जस्ट स्टार्ट किया हूँ, तो अगर कहीं कुछ छूट हुआ होगा तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा. जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो कुछ अगर गलती हुआ होगा तो वेरी सॉरी. मैं कोशिश करूँगा ये अपडेट करने का एवरी टाइम. और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. See you on the next one.